देवभूमि उत्तराखंड रहस्य रोमांच और तिलिस्म और सिद्धों की एक जमीन जिसकी बहुत सारी कथाओं में से कुछ ही अभी तक जानी जा सकी हैं और ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं शायद जिनके नाम इतिहास का कोई भी पन्ना नहीं। पाषाण के खंभों पर उकेरे गए देवताओं और अनजान प्राणियों के चित्र, क्षत विक्षत हो चुके पत्थरों और शिलाओं से बने हुए धर्मशाले, आखिर वह कौन लोग होंगे जिन्होंने इनका निर्माण कराया होगा और यह किस कालखंड में बने होंगे, इनके निर्माण के पीछे कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा, पैक कौन होते थे जो एक ही रात में सारे निर्माण कार्य को सुबह की पहली किरण निकलने से पहले ही समाप्त कर देते थे, क्या वह कोई इंसान होते थे या कोई मांत्रिक शक्ति होते थे या कोई राक्षस जिन्न किसी तरह के भूत या प्रेत होते थे। हो सकता है कि आप इन सब बातों पर विश्वास न करते हों, लेकिन यह बातें यहाँ की लोक कथाओं में भी सुनी और सुनाई जाती हैं। फिर भी इन बातों पर विश्वास करना या न करना आपका अपना निर्णय है, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको इन्हीं सब बातों से दो चार कराएंगे और चलेंगे एक ऐसी जगह पर जहाँ एक प्राचीन धर्मशाला की तरह लगने वाला निर्माण है और कोई भी नहीं जानता कि इसे किसने बनाया और इसे बनाने के पीछे क्या कारण रहे होंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक तो ऐसी बहुत सारी संरचनाएं बनी, बहुत सारे ऐसे निर्माण बने हुए हैं जिनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, जिनके बारे में इवन किसी को ये पता नहीं है कि ये किसने बनाए और ऐसे ऐसे स्थानों पर ही क्यों बना, सभी जगह नहीं बनाया हुआ है, कहीं कहीं बना हुआ है। लेकिन दीपक तले अंधेरा जिस तरह से होता है उसी तरह से है ऐसा कुछ। अपनी सांस्कृतिक संपदा और विरासत के बारे में हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या क्या संपदाएँ हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमने उन्हें कभी संजोने का सोचा ही नहीं है। अभी जिस जगह पर हम लोग आ गए हैं ये जगह एकदम जंगल से घिरी हुई है। असल में ये एक चौराहा है, 10 गांव इस तरफ पड़ते हैं लगभग लगभग, और इसके पीछे भी 10 गांव पड़ते हैं इस पहाड़ी के पीछे, और इस तरफ भी लगभग दसियों बीसियों गांव चारों तरफ लिए हुए ये जगह है। सामने की तरफ अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको अल्मोड़ा भी दिखाई देगा। फिलहाल अभी मैं बात कर रहा हूँ इस जगह की, ये जगह भी प्राचीन काल में कोई ना कोई विशेष महत्व की जगह रही होगी, तभी यहाँ पर ऐसा कोई प्राचीन निर्माण बना हुआ है। मेरे पीछे अभी आप देखोगे, मैं अभी और अच्छी तरह से आपको ये दिखाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि 250 ईस्वी पूर्व के ही हों या फिर मौर्य काल के हों, ऐसा भी संभव है इन निर्माणों के बारे में, क्योंकि यहाँ प्राचीन से प्राचीनतम सभ्यताएँ तो थी ही, इतने पुराने भी हो सकते हैं। ये आसान नहीं है इतना कि हम ये कह दें कि ये बस 400 साल पुराना है या 500 साल पुराना है, एक निर्माण बना हुआ है, लेकिन इसके बनावट को देख करके ऐसा लग रहा है कि ये बहुत प्राचीन है। घास जमी होगी वहाँ, पत्थर बहुत बड़े हैं। एक पत्थर कितना बड़ा है ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये हिला कहाँ जाएगा, कितना लंबा है, रुको। तो गाइस ये देखिए, ये संरचना आपको किस तरह की लग रही है, मुझे तो ये कोई विश्राम स्थल जैसा लग रहा है, और इस पे उकेरे हुए चित्रों में अगर कुछ लिखा हुआ है तो वह भी मैं देखने की कोशिश करूँगा। पहले मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ इसको, अगर हम इस तरफ से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, आज इसकी छत उड़ चुकी है, और सामने की तरफ से अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और पुराने दरवाजे जैसे आप देख रहे हो, यहाँ नीचे भी कुछ बना हुआ है। क्या बना है? कुछ बना है। मैं एक कैमरे को हाथ में ले लूँ अपने, सही से दिखाता हूँ इसको। कांटे हटाओ। कांटे तो नहीं हटेंगे मेरे से, अरे मत करो मत करो, फिर मिट्टी आ जाएगी सब। तो गाइस ये सामने से आप जो देख पा रहे हो, लेकिन आप अगर इसके स्टोन में देखोगे, पत्थरों में देखोगे, तो किस तरह की कारीगरी ये देखिए, एकदम बारीक बारीक नक्काशी की गई है, इस तरह से ये पत्थर बने हुए हैं, और मुझे लगता है ये बहुत साल पुराने, मतलब हो सकता है मे बी कि हजारों साल पुराना हो ये।
या सदियों साल पुराना हो, क्योंकि इसकी जो जॉइंट है ना ऐसे लगाई गई है कि इसके बीच में आप एक ब्लेड तक नहीं घुसा सकते हो, एकदम एकदम पक्की है। देखिए इस पे पत्थर का ही यूज किया हुआ है, देखिए पूरा इसको टिकाने के लिए भी इसमें कहीं से कहीं तक कोई लकड़ी नहीं लगाई गई है। और इस तरह से ऊपर से नक्काशी है, यहाँ भी नक्काशी है, देखेंगे आप तो ये कुछ चित्र उकेरे गए हैं इस पे। वैसे ये डिजाइन है, एक बढ़िया सा डिजाइन है ये। और इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे इसमें भी एक डिजाइन है ऐसा कुछ। और ये जो पुरानी सी जगह है गाइस, बहुत पुरानी, और यहाँ पे मुझे एक बोतल भी पड़ा दिख रहा है, वो अलग बात है, उसे आप इग्नोर कर सकते हो। तो एक तरफ ये है, और ये जो पूरा स्लैब बना आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा स्लैब एक ही है। इतना बड़ा पत्थर है गाइस, देखो यहाँ से ये पत्थर स्टार्ट है और ये पत्थर वहाँ जाके जहाँ पे ये प्रभात गया हुआ है वहाँ तक है, ये एक पूरा ही पत्थर है ये। और इसके ऊपर की नक्काशी देखो आप, ये इसके बीच में भी थोड़ा सा जगह बची हुई है, बाकी ये पत्थर अलग रखा हुआ है, फिर इसके पीछे ये पिलर लगाया गया है। तो गाइस कुछ ऐसा है यहाँ का हाल अभी। और मेरे पीछे जो निर्माण है, इस निर्माण के बारे में सही कह पाना तो मुश्किल है कि यह कितना पुराना है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जिसने भी ये बनाए हैं ये प्राचीन है। अगर इनकी कार्बन डेटिंग की जाए तो पता चल सकता है कि इनकी उम्र क्या रही होगी, और मुझे लगता है कि शायद ये हज़ारों साल पुराने हों। पुरातत्व विभाग को इसकी जानकारी मिल जाती है तो हो सकता है कि वह लोग इसको अपने संज्ञान में लें और इनको संरक्षित करें। पहले के लोग थे जो मतलब उनको ड्राइंग के बारे में ज्यादा पता नहीं था, तो इंसान ऐसे इसी टाइप की बनाते थे ड्राइंग में। हाँ, लेकिन इसमें अभी सही से देख नहीं पा रहा ना, क्या है जरा अंगुली घुमाओ इस पे एक बार, देखे ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है ये। अच्छा ये खोपड़ी, अच्छा ये है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ तक है, यूँ है इसके। अच्छा ये भी है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये मुझे लगा कि कोई डंबल बना है। डंबल नहीं, वो बर्ली आर्ट है। अच्छा, किसी टाइप के होते थे पहले, होते नहीं थे, होते तो इंसान थे हमारी तरह। हाँ, लेकिन जो होते जिनको ड्राइंग करना नहीं आता था पहले के दौरान, क्या पता। हाँ, हाँ, तो वो इंसानों को ऐसे बनाते। हाँ, इंसानों को अपने हिसाब से डिपिक्ट कर देते, जैसे बनाना चाहते हैं, जैसे ये यहाँ पे हाथ होंगे, क्या पता मिट गए होते हैं हाथ होंगे, क्या पता हाथ होंगे मिट गए, सही बात है। अरे ये देखो ना, यहाँ पे जगह छोटी है, यहाँ पे इसके ये कंधे यहाँ से गर्दन गई, ये पूरी मुंडी है, यहाँ से इसके हाथ आए हैं, हाथ उसने ऐसे कर रखे हैं ऐसे यू शेप में, यहाँ से इसके नीचे का हिस्सा है थाई वाई, यहाँ से ऐसे आ रखा है ऐसे, यहाँ पे पैर है, देखो इधर दिखाओ, चलो अब ऊपर बढ़ो, आगे बढ़ो, इधर जूम करके पैर दिखाओ, वी शेप में हल्के हल्के पैर है। नहीं, ये बारीक बारीक किसी चीज से मार करके काटे गए हैं ये पत्थर। हाँ, ये निशान अभी तक है ना ऐसे ही, ये निशान है तो किसी चीज से, देखो और ऊपर से नीचे तक एक ही बार में करा गया है पूरा ये। हाँ, पूरी एक ही लाइन है ना, लेकिन ये पहले गहरे होंगे, अब वो हो गए थोड़ा, पहले और गहरे होंगे। हाँ, तो इतना बड़ा पत्थर है, देखो ना इतना बड़ा पत्थर है भाई, कितना बड़ा पत्थर है ये तो पूरा मतलब कितना फीट होगा ये मेरे हिसाब से 18-20 फीट का एक ही पत्थर है, लंबाई देखो और मोटाई भी देखो इसकी, इतनी बड़ी सी मोटाई है। ये यात्री विश्राम ग्रह भी हो सकता है कोई पुराने जमाने का, अभी भी देखिए इतना तो डैमेज हो चुका है, लेकिन ज्यादातर इसके पत्थर अभी भी अपनी जगह पे बिल्कुल चिपके हुए हैं, आप ये देख रहे हो, एग्जांपल ये है सामने, बिल्कुल रखा हुआ है, खाली रखा हुआ है, देखो बिल्कुल नहीं हिल रहा है, इसके बीच में गैप देखो यहाँ, ये पत्थर के जितना गैप है पूरा, इस पत्थर के जितना गैप है पूरा, और ये पूरा ये जो है हिल भी नहीं रहा है, हिल भी नहीं रहा है अपनी जगह में, यहाँ मिट्टी से ही तो भर गया मैंने, मैं तो पूरा फिट हो गया। अभी एक जगह मैं आपको और लेके जाऊंगा, चनोली पे कुराचौन उस जगह का नाम है, और वहाँ पे भी वो स्तंभ बना करके ना कॉलम की तरह के ऐसी आकृतियाँ, बड़ी बड़ी आकृतियाँ लगी हुई थी जगह जगह पर। हमारी लोकल भाषा में कोई उसको बिरखम भी कहता है, जिला अल्मोड़े में ही एक गांव पड़ता है जिसका नाम बिरखम है, वैसे तो
लेकिन उनको भी बिरखम ही कहा जाता है, जो स्तूप होते थे, स्तंभ होते थे जो। अगर आप उत्तराखंड से लगाव रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने जानने पहचानने वाले दोस्तों के साथ, अपने परिचितों के साथ, और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके ऐसा करने से हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए और प्रेरणा मिलती है और उत्साह मिलता है। नाक आज गिर गया ना प्रभात, कैमरा हैमरा फूटेगा सो अलग, टांग हांग फूटेगी सो अलग। जो रास्ते में हमने धर्मशाला जैसे, हाँ जी जी जी, ये मुझे लगता है कि किसी राजा के द्वारा बने ही पहले। अच्छा, यहाँ से कैलास मानसरोवर को जो रास्ता जाता है पैदल वाला, हाँ, उस रास्ते में जो कैलास मानसरोवर की यात्रा करने वाले यात्रीगण और दूर दराज शोर यहाँ पिथौरागढ़ तक के लोग जो यहाँ से जाते थे, हाँ, से आते थे, हाँ, तो उनके लिए जगह जगह पर एक एक मील में, एक मील से कम दूरी में, और लगभग एक किलोमीटर में ऐसे ऐसे बने हैं ये। अच्छा, धर्मशाला पड़ाव, आदमी को जब रात हो जाती थी, हाँ, तो यहाँ आदमी अपना रुक जाता था और दो चार लोगों के साथ में ग्रुप में लोग चलते थे। मतलब यहाँ से कैलाश मानसरोवर तक का पैदल, हाँ, ट्रैक था कोई ट्रैक, हाँ, पहले रहा है और यहीं से लोग पैदल यात्रा करते थे। ये जो मनिया है, जो पहले मनिया है ना, ये मनिया रिकॉर्ड में है, ये मनिया भी रिकॉर्ड ही में है ये। अच्छा, यहाँ पर भी ये बना हुआ है, रुड़ख्याव है इसका नाम। अच्छा, खाल का मनिया, ये जो आपका यहाँ पे बना हुआ है, जो हम जिसको हम अभी देख के आ रहे हैं, ये बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना। इसका रिकॉर्ड जो है हमको भी नहीं है, ये तो पीढ़ियों से चला है। मेरा नाम शिवराज सिंह बनोला है। मुझे इस धर्मशालों के बारे में इतना ज्ञान है कि धारचूला से हल्द्वानी पड़ाव तक ये बने हुए हैं। अच्छा, हल्द्वानी काठगोदाम तक बने हैं जी। और तो इनका अभी रखरखाव के लिए उत्तराखंड सरकार ने कुछ पैसा देने की सोच रखा है जी। ये कोई धारचूला में व्यापारी थे, उन वो निसंतान थे। अच्छा, अच्छा, संतान नहीं थी। अच्छा, कोई साधु रूप में आई और उन्होंने कहा कि ऐसा करो आप, जो हमारा धारचूला से हल्द्वानी तक पैदल पड़ाव है, हाँ, हर पड़ाव में आप एक एक धर्मशाला चार चार पाँच पाँच किलोमीटर में, तो उसी कोच से ये धर्मशाले बना, ये मुझे ज्ञात है इतना। अच्छा, और बाकी रखरखाव के लिए बीच में इसकी जांच आई थी, उत्तराखंड सरकार ने जांच करवाई। अच्छा, कुछ पैसा भी आया हुआ है, 60 करोड़ दे रखा है या कितना दे रखा है जी, इनके रखरखाव मेंटेनेंस के लिए जी जी। हाँ, वो बकरे का बीच में जब जहाँ पर अड्डा होगा, बेंसरमा अड्डे जी होना। अच्छा, बेंसरमा अड्डे जी, एक दिन वहाँ बढ़िया आला बेंसरमा वारो। मतलब यो को लोग नेर भाई, यो बताओ पहले तो जाने 100 लोग। हाँ। अच्छा, जो शौक्याणी वाली बात में को नहीं, हाँ, वो शौक्याणी उन लोगों बेटी पे, हाँ, वो धारचूला कब है, हाँ, धारचूला कब, तब वहाँ से वो नमक भर के लाएंगे बकरी से। दो दिन में कूदते थे वो, एक दिन में वहाँ से बिनसरमा आएंगे और वहाँ जंगल में आग आग जगा के चारों किनार बकरी इकट्ठे हो जाएंगे, उनारे किनारे किनारे कुत्ते, हाँ, मतलब बैठे होंगे। अच्छा, कुकुर ले जाने पे और बकर ले जाने पे, हाँ, कुकुर और बकर दिए पे उनके साथ तेरा हो यहाँ पे हल्द्वानी जाने पे, हाँ, कोई गैप नहीं हो जाए बकरी। अच्छा, तो कुकुर लो हुई वाल हुन्याल और ठुल ठुल हुनी से झापड़ा जाए बिल्कुल। शौका का कुकुर बहु। अच्छा, शौका का कुकुर। अच्छा, और राजूला मालू सही अलग है, वो अलग चीज है, एक रात में बने ठहरे बोलू। अच्छा, एक रात में भी बने हैं, ये तो किंवदंतियों का है, कहानी का सिलसिला है इस, ऐसा तो मैंने कटारमल के बारे में भी सुना ना, एक ही रात में कटारमल मंदिर ले एक रात में बड़ो या सुकूनी लो, तो एक रात में बढ़ोनी मतलब वो कि भाई आदिम भयो छो भयो कि भयो एक रात में कैसे बढ़ोनी पैक थे ना, पैक पहले भी पैक होने वाले थे। अच्छा, पैक भी होते थे, पैक होते थे, पैक क्या होते थे, पैक मतलब बहुत जबरदस्त होने वाले थे, अभी संभावत में कहते थे पहले पैक। अच्छा, या बड़ी ढूंगो पार वा 6 इंच मोटर या बड़ी वा वाला वो एक रात में उच्च में धरी बेबू कसी धरी बेबू। अच्छा, जागेश्वर में लगाओ उतना बड़ा वो ऊपर रखा है ये, तो वो तो पैक ही ठहरी यार। अच्छा, पैक को निर्भया वो, हाँ, कोई मशीन में क्या मतलब पैक है? पैक मतलब ये पहलवान, हाँ, पहलवान ठहरे पर इतना एक कर हाथ में बड़ा दिनी कतार पहलवान भैया राक्षस बहु। एक रात में तथा निर्माण कर दिए राक्षस है पहलवान का, भूत प्रेत लगाओ तुम उनका हिसाब है, एक रात में हुआ करा उन्होंने बड़ा दी तरफ मकान बड़े दी, एक ही रात में बनाना ठहरा वो, जितना बन जाए बन जाए, सवेरे हो गई तो छोड़ दिया वो। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ,
जो है ना। अभी मैं जिस जगह पर हूँ इस जगह को बोलते हैं कुराचौन और यह है चनोली ग्राम सभा की सीमा। तो यहाँ पे भी कुछ बसासत है, इन सड़क यहाँ भी आ चुकी है तो इसलिए अभी यहाँ भी आवत जावत बढ़ चुकी है लोगों की और जो यहाँ के लोग जो बाहर रहने वाले लोग हैं यहाँ पे आने लगे हैं बहुत आय से। तो सबसे पहले मैं आपको जगह के बारे में ही बता देता हूँ, ये सब जो मैं छानबीन कर रहा हूँ, ये सब जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये जगह पड़ती है उत्तराखंड स्टेट के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के भैंसिया छाना और धौला देवी ब्लॉक के गाँव के इर्द गिर्द की ये जगह है। तो कुछ इस तरह की जगह है कुराचौन जैसे आप देख रहे हो। नमस्कार। नमस्कार जी, आप लोग भैया? मैं हम लोग पिथौरागढ़ से आए हैं। अच्छा, पिथौरागढ़ से आए हैं आप लोग, ये घूमने उमने? नहीं घूमने नहीं, यहाँ थोड़ा ये हमारे पूजा में आए थे। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम प्रकाश अंतोलिया। अच्छा जी प्रकाश जी, तो सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विद्यासागर। अच्छा जी, तो पूजा वगैरह बढ़िया रही आपकी? जी ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये देखिए ये है लोकेशन यहाँ पे, जब आप देख पा रहे हो, और ये अंकल जी हैं, इनकी ये ही दुकान है जो आप देख रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी लोकेशन है ये। तो यह धर्मशाल आखिर ये और जो बिरखमचंद, तो ये आखिर कैल बड़ी, मतलब ये इनार पचिन तो है यार, ये चंद्रवंशी राजाओं का राज था पहले, यहाँ उन्होंने ये बनाए हैं। अच्छा ना, अब इतनी जानकारी तो हमें भी नहीं है, बहुत पौराणिक जो हमने तो यही सुना है, चंद्रवंशी जो राजाए थे उनकी ये पौराणिक कृतियां हैं। अच्छा, जगह जगह अभी इसको जो है ये पुरातत्व विभाग इनकी अभी समीक्षा कर रहा है, वो एकत्रित कर रहा है इनको। अच्छा, इनको सवार भी रहा है वो, हमारे यहाँ से भी बोल रहा था हम ले जाते हैं, मैंने कहा नहीं भाई यहाँ की प्रॉपर्टी है तुम कहाँ ले जाओ। कोट नामक जगह है, यहाँ खंडहर है, अब क्या है वो कोट में? हाँ यहाँ उठ प्रकार के राजाओं का। अच्छा अच्छा, और कुछ हमने पौराणिक कथाएं ऐसी भी सुनी, जब भैंस लगे सुनी पहली बार, 22 दिन के लिए भैंस, 11 दिन के लिए भैंस, उस बैसी में जिस दिन उसका वो होता था क्या कहते हैं भंडारा, किलोण, वो बैसिन में किलोण गेंठी जैसी कौन सी। अच्छा, तो अब ये वो बैसियों के किलोने हैं या चंद्रवंशी राजाओं के समय के ये बनाए हुए ये गड़े हुए? हाँ 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 हाँ, वो अच्छा, है, अच्छा। ये मैं कर नहीं कह सकता, ये नहीं कह सकते है कब के, लेकिन है ये बहुत पौराणिक चीज, यहाँ भी रहे ये ज्यादा, इनका ऊपर ही रहा दबदबा चंद्रमंजियों का भी, कत्यूर का रहा द्वाराहाट, कत्यूर बागेश्वर, बागेश्वर द्वाराहाट, बागेश्वर कत्यूर वगैरह, हाँ हाँ, कत्यूरी राजाओं राज रहो कत्यूर में, वो एक ना वो मालू मालू शाही राजूला मालू शाही, मैंने अभी उसका भी जिक्र सुना, हाँ कचूरी लोग आते हैं उसमें, हाँ कचूर का ही रहने वाला था ना मालू शाही जो था, वो कचूरी ही राजा था, रानी ये रानी बाकी रानी भी वो कचूर में ही आते हैं। अच्छा, आप कहाँ पे रहते हैं? हम तो इसी गांव के हैं निवासी, प्रधान जी इसी गांव के। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? जगदीश। जगदीश, जगदीश जी, तो आप जैसे बता रहे हो अभी और भी हैं, और कहाँ पर? एक कोट है इधर, एक अभी उधार है ये जंगल में, एक पत्थर में बना हुआ है। अच्छा, कहाँ किस जंगल में? इधर से होगा वो कम से कम 3 किलोमीटर इनके घर के। तो आप कभी गए हैं उस तरफ को जहाँ ये बता रहे हैं? उधार तो नहीं, अच्छा ये भी उसी समय के होंगे फिर, जब राजाओं के समय के, चंद्रवंशी राजाओं के समय के ना। अब थोड़ा सा ये खंडित भी हो गए ना, मूर्ति तो वही कुलदेवता की, वही उसमें बिठाए घोड़े में बिठाए, इनमें भी खुदी है ना। हाँ 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 हाँ, ये भी पौराणिक ही है। हमारे पितरों ने ऐसे देखा, हमने भी ऐसे देखा। ठीक ठीक, चलो आओ, अब ये तो रहा गेट पुराना। ठीक है अंकल जी, प्रणाम। ओके। और अंकल जी आगे कहाँ घूमे? बस मैं गया था नगर खान तक। हाँ, तो गई जैसा आप देख रहे हो, किंवदंतियों में, कथाओं में, लोक मान्यताओं में अलग अलग विचार प्रचलित हैं, अलग अलग धारणाएं प्रचलित हैं। हम जितने लोगों से मिलेंगे सबके अपने मत होंगे, सबके अपने विचार होंगे। अभी मैं देखता हूँ यहाँ पर कहाँ पर रखे हुए हैं वो। ओहो, गुड, ये वर्ली आर्ट है लेकिन आर्ट है। और ये कोई भगवान है, देखो शिव जी है, क्या है हाथ में कुछ पकड़ा हुआ ना, ये देखो ये कोई जानवर है, नीचे कोई जानवर है ना,
घोड़ा 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 है, गोलजू है भाई ये, तो जी कलाकृतियां देखिए आप, घोड़े का मुंह है। हाँ ये घोड़ा घोड़ा तो नहीं है लेकिन भाई इसके छह पैर हैं, देखो वो मुंह है, दो दो चार दो छह और ये पूछ तो ये है ना, पूछ के बाल नहीं होंगे। कुछ स्थानीय लोगों के साथ जिनके प्रयास से थोड़ा सा मैं इनको रिकॉर्ड कर पाया हूँ, ये हमारे एक तो देवदा है यहाँ पर और जगदीश सिंह जी हैं, दाहुर है ना, दो लोग हैं इसमें, दो लोग हैं ना। हाँ ये भी बड़ी हाट है, देखो ये भी ऐसे ये वाला शेप है। वो पैदल जाने के लिए राजाओं ने महाराजाओं ने जो जगह जगह पर ये पड़ाव बनाए थे वो धारचूला से लेकर के हल्द्वानी तक के उसके बीच में ही पैदल पड़ाव में शायद ये रास्ता भी पड़ता हो और ये निर्माण उसी कालखंड के बने हुए हों।